हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर किया जाएगा। वजीर इत्तला'आत अता तारड़ कहते हैं, बहुत खिलवाड़ हो चुका, पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते, अब नो मोर। सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया जाएगा। मैंडेट चोर हुकूमत हवास वाख्ता हो चुकी है, पाबंदी लगाने का फैसला जाली हुकूमत की ख्वाहिश है। अली अमीन गंडापुर का रद्दअमल, शिब्री फराज ने कहा पीटीआई पर पाबंदी लगाकर भी देख लें। बैरिस्टर सैफ कहते हैं लंदन प्लान तहस नहस हो चुका, हुकूमत की सियासी मौत आई है। मखसूस नशस्तों के फैसले के खिलाफ नून लीग ने नज़रसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना की इस्तदा। दानियाल चौधरी कहते हैं अदालत से एक जमात को रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं था, हमारी वजादारी को कमजोरी समझकर मुल्क पर हमला किया गया, इन लोगों ने एक नस्ल को तबाह कर दिया है। आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लगेगा, शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत बानी पीटीआई की गलतियां दोहरा रही है। नून लीग और पीपी का रिजर्व सीट्स पर कोई हक नहीं था, फोन टैपिंग इंतहाई संजीदा मामला है। थाना शादमान जलाओ घेराव केस, लाहौर एटीसी ने 9 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और दीगर शामिल, मुलजमान का सेहत जुर्म से इनकार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जुमेरात तक सनम जावेद की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को किसी भी गिरफ्तारी से रोक दिया। पुलिस बलूचिस्तान में दर्ज मुकदमे में रिमांड के लिए सनम जावेद को अदालत लाई थी। अदालत में अदम हाजिरी पर शेर अफजल मरवत के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के केस की समाअत। फवाद चौधरी, हाफिज फरहत अब्बास, वासिक कयूम की अबूरी जमानत में 20 जुलाई तक तौसी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स 81,000 की सतह अबूर कर गया। 1211 पॉइंट्स इजाफे के बाद 81,155 पॉइंट्स पर बंद। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स पर बड़ा रिलीफ देने का मंसूबा। ज़राए के मुताबिक दालों और चावल पर सब्सिडी में 300% इजाफे की तजवीज़ से रिकॉर्ड है। घी पर सब्सिडी 70 रुपए फी किलो से बढ़ाकर 100 रुपए करने की तजवीज़। पंजाब में 9 और 10 मुहर्रम अल हराम पर मोबाइल सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल नहीं की जाएगी। मजालिस और जुलूसों के मकामात पर सुबह 8 से रात 10 बजे तक सर्विस जुज़वी तौर पर बंद रहेगी। अस्मा बुखारी का फैसलाबाद का दौरा, 3 दिन सोशल मीडिया की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर की ब्रीफिंग। कच्चे में कामयाबियां मिली हैं, इमदाद उर्फ अमदू को हलाक किया गया है। वजीर दाखिला सिंध सियाल अंजार कहते हैं 4 माह में मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया। ईस्ट में बड़ा मंशियात फरोश मारा गया, गैर कानूनी अफगानियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लाहौर के सरकारी अस्पतालों से अद्वियात की चोरी और फरोख में मुलविस खतरनाक गिरोह गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकरूह धंधे में अस्पताल के अमले समेत मेडिसिन डीलर भी शामिल हैं। करोड़ों रुपए की कीमती अद्वियात बरामद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। बहरिया टाउन, मोटरवे, मलीर और नए नाजमाबाद समेत मुलहका इलाकों में बरसात। आज शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। टीम में ग्रुपिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी, डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन पीसीबी की टीम की सर्जरी इजलास में वार्निंग। मोहसिन नकवी ने कहा हर खिलाड़ी को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी, प्लेयर्स का हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट होगा।